वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो वी आर स्टार्टेड विद द लेक्चर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप लोग इस वीडियो में जानोगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइप्स एंड उसके कंसेप्ट क्या करना है। इन हायर क्लास यू नो नीड टू स्टडी अबाउट लर्न अबाउट एनी डिफिनेशन ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच लाइक नाउन प्रोनाउन। आपको बड़ी क्लास में डिफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको ओनली क्या करना पड़ता है, बस उसका कंसेप्ट क्लियर करना पड़ता है। मतलब आइडेंटिफाई द नाउन फ्रॉम द सेंटेंस, आइडेंटिफाई द प्रोनाउन फ्रॉम द सेंटेंस, दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन आज इन एग्जामिनेशन और एग्जाम। ओके, एंड इन मतलब लोअर क्लास में आपको ओनली डिफिनेशन याद करना पड़ता है। तो आज हम लोग कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं, तो देखते हैं स्टार्ट करते हैं। तो फैक्ट्रिक्स पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना जो कंसेप्ट है हमारा। तो देयर आर एट टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। नाउ नाउन बचपन से लोग पढ़ते आ रहे हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स, मतलब किसी व्यक्ति, पर्सन मीन्स कोई भी मेल और फीमेल का नाम, प्लेस मतलब कोई भी जगह का नाम, पर्सन प्लेस एनिमल मतलब कोई भी जानवर, डोमेस्टिक हो या फिर पालतू जानवर कोई भी, हाँ पेट एनिमल। नाउ थिंग्स मतलब कोई भी चीज हो, जैसे लाइक टी शर्ट, वॉच, मार्कर, दैट टाइप ऑफ। ओके, एंड नेक्स्ट नाउन इज क्लियर, बट वॉट इज द कंसेप्ट बैक ऑफ द नाउन, मतलब कंसेप्ट इसके पीछे क्या है। हाँ, तो कंसेप्ट क्या है कि नाउन क्या होता है, ये समझ लो कि जो भी चीज, जो भी हम देख सकते हैं, जो भी द थिंग्स दैट यू एबल टू वॉच, जो भी चीजें आप देखने में समर्थ हो वो नाउन है। समझ रहे हो मतलब क्या, नाउन मतलब क्या, जो भी चीज आप देखने में समर्थ हो, जो भी चीज आप देख पा रहे हो वो नाउन है। तो नाउन मीन्स जो भी चीज हम देख सकते हैं, क्लियर है। अभी प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन मतलब क्या, प्रो बंदे हो कि नहीं, अब फ्री फायर हो, पबजी सब खेल रहे हो, तो प्रो मतलब क्या, प्रो मतलब प्रो बंदा सब अच्छा खेलता, तो प्रोनाउन का कैसे याद करोगे, कंसेप्ट क्या उसका, प्रो बंदे मतलब अप्रो कौन है, इस कंट्री में हम ही लोग जो खेल रहे वही प्रो है ना, तो प्रो मतलब मैं प्रो हूं, मतलब मैं पबजी फ्री फायर खेलता नहीं, बट ऐसा बोलो मैं, तुम, हम, वे, ये सब चीजें, तो जो सब इसी में से प्रो है ना, सब वर्ल्ड के लिए लोग खेल रहे हैं ना, तो प्रो मतलब क्या, प्रोनाउन मतलब कंसेप्ट क्लियर कर लो कि प्रो बंदे जो समाज के हैं, जैसे मैं, तुम, हम, आप, तो उसका इंग्लिश क्या होगा, आई बी यू दे ही सी इट। अब जो फ्री फायर पबजी खेलते होंगे उसको समझ में आ गया होगा क्लियरली, नो डाउट। नाउन एंड प्रोनाउन क्लियर। नाउ नाउन प्रोनाउन वर्ब, नेक्स्ट इज वर्ब। वर्ब व्हाट इज वर्ब, सबको पता है वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स, जो भी चीजें हम करते हैं, जो भी चीजें हम करते हैं वर्ब है। जैसे लास्ट में ना आना चाहिए, जाना, आना, खाना, सोना, हंसना, रोना, बीपिंग, क्राइंग, ट्राइंग, स्टैंडिंग, ओके, गोइंग, कमिंग, ऑल आर वर्ब, वर्ब्स। वर्ब्स का इसका कंसेप्ट पता है, एक्शन वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स, जो भी चीजें हम लोग एक्शन करते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूं, राइट कर रहा हूं, तो वो वर्ब हो गया। ओके, तो नाउन प्रोनाउन वर्ब कंसेप्ट क्लियर करो, आपको डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नाउन जो भी हम लोग देख सकते हैं नाउन है, प्रोनाउन मतलब मैं क्या देखा, मेरे को यहाँ पे सब दिख रहा है, टीवी, हाँ, लाइट, अनदर, लीड, बॉटल, ऑल आर नाउन, जो भी आपको दिख रहा है सब नाउन है, आप ये समझ जाओ कंसेप्ट क्लियर। प्रोनाउन मतलब क्या, प्रो बंदे, सब, जो भी, मैं, तुम, हम, सब प्रोनाउन। अब वर्ब क्या, जो भी हम लोग करते हैं वर्ब है, जो भी हम लोग करते हैं, गो, कम, यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिख देता हूं मैं, गो, कम, ओके। नाउ क्लियर, नाउन प्रोनाउन वर्ब। अब आता है हमारा एडवर्ब। अब वर्ब के साथ कुछ ऐड करना है, ये समझो कि वर्ब के साथ कुछ क्या करना है, ऐड करना है, वर्ब के साथ कुछ ऐड करना है, उसको बोलोगे एडवर्ब। एडवर्ब वर्ब मतलब क्या, जैसे कोई भी बंदा जा रहा था, कोई भी बंदा या बंदी जा रही थी, वो स्लो जा रहा है या फास्ट जा रहा है, उसमें एलवाई ऐड कर दो ना, लाइक अभी देखो यहाँ पे हो गया एफ ए एस टी एल वाई, तो यहाँ पे एल वाई ऐड हो गया, तो वो एडवर्ब हो गया। तो क्या ऐड कर रहा है बार बार, एल वाई, तो ये समझ लो कि भैया जिसके लास्ट में एल वाई आएगा वही हो जाएगा एडवर्ब। जैसे वर्ब था तो लास्ट में क्या आना चाहिए, एल वाई आना चाहिए, जब एलवाई आएगा तो वर्ब हो जाएगा, सॉरी एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि एड मतलब क्या, कोई भी चीज जुड़ रहा है, तो जब ये जुड़ जाए एलवाई तो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, क्लियर। फास्टली, स्लोली, हाँ, केयरफुली, सुने होगे,
राइट केयरफुली इन योर एग्जामिनेशन, दैट टाइप ऑफ नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब। उसके बाद क्या आता है आपका एडजेक्टिव, क्या आ रहा है? अब फिर से उसमें कुछ मार्कर सही नहीं चल रहा है, एडजेक्टिव। अभी एडजेक्टिव क्या होता है कॉन्सेप्ट देखो, मैं आपको डिप्रेशन याद कराने के लिए नहीं आया हूं, मैं ओनली आपको ट्रिक बताने आया हूं कि कोई भी चीज देखते याद हो गया बस खत्म, कहानी खत्म। आपको ऐसा उसमें मगजमारी नहीं करना है कि लेके बैठना नहीं उसको, बस आपने देखा समझा खत्म, अब नहीं भूलूंगा कभी भी, ऐसा वाला कॉन्सेप्ट है ये। तो एडवर्ब मतलब कुछ भी एलवाई लगा दोगे वो एडवर्ब हो जाएगा। एडजेक्टिव मतलब क्या ये याद कर लो, मतलब एक कॉन्सेप्ट याद कर लो, एडजेक्टिव मतलब क्या, कोई भी चीज गुड और बैड, क्या बोला मैंने, गुड और बैड, किसी भी चीज का अच्छा या बुरा। जैसे आई मतलब आई एम टीचिंग इन गुड, मतलब आई एम टीचिंग गुड, मैं अच्छा पढ़ाता हूँ। आई एम टीचिंग नॉट वेल, नॉट वेल मतलब अच्छा नहीं पढ़ाता हूँ, तो नॉट वेल गुड, ये सब चीजें देखो। अभी वेल मतलब वेल मैं लिख सकता हूँ, गुड लिख सकता हूँ, मतलब ये कोड मैं बता देता हूँ, गुड और बेड याद कर लो, गुड और बेड थिंग्स, किसी भी इंसान का, किसी भी चीज का, जैसे एनिमल का भी, किसी भी चीज का गुड और बेड, किसी भी चीज की अच्छाई या बुराई, तो हो जाएगा वो एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, जैसे एडवर्ब याद की तो वर्ब में एलवाई लगा रहे थे, अभी एडजेक्टिव उसका एडजेक्टिव बताओ, उसका एडवांटेज बताओ या डिसएडवांटेज। एडजेक्टिव ऐसा समझ लो कि एडजेक्टिव मतलब क्या, गुड और बेड, एडजेक्टिव मतलब गुड और बेड। तो नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव। अभी आता है आपका प्रीपोजिशन, स्पेलिंग बहुत बच्चे इसका स्पेलिंग नहीं याद कर पाते हैं, बहुत बच्चे प्रीपोजिशन का स्पेलिंग नहीं बता पाते हैं, तो मैं एक कंसेप्ट बताता हूँ कैसे याद करना। बोलो, बोलना ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे बोल के याद करोगे, बोलोगे पहले पीआरई पीओ, क्या बोल दोगे, पीआरई पीओ, पीआरई पीओ, एस आई टी आई ओ एन, चलो मेरे साथ बोलो, जिसको याद करना बोलो पीआरई पीओ, पीआरई पीओ, पीआरई पीओ, पीआरई पीओ, एस आई टी आई ओ एन प्रीपोजिशन, पीआरई पीओ, एस आई टी आई ओ एन प्रीपोजिशन, पीआरई पीओ, बोलना बात खत्म, पीआरई पीओ, एस आई टी आई ओ एन प्रीपोजिशन हो गया। अभी प्रीपोजिशन होता क्या है, जो प्रीपोजिशन है ना ये होता है सेंटेंस में आपको छोटे छोटे वर्ड आएंगे, छोटे छोटे वर्ड आएंगे वही हो जाएगा प्रीपोजिशन। ये याद कर लोगे स्मॉल वर्ड्स, क्या याद कर लोगे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, स्मॉल वर्ड्स, स्मॉल वर्ड्स, स्मॉल वर्ड्स मतलब क्या, स्मॉल वर्ड्स मतलब क्या, स्मॉल वर्ड्स मतलब क्या, सेंटेंस में आपके छोटे छोटे वर्ड आएंगे। जैसे आई एम गोइंग टू विलेज, अब जो टू आया है छोटा वर्ड है वो, तो प्रीपोजिशन मतलब क्या, एग्जाम्पल उसका समझ लो कि छोटे छोटे टू आ गया ना, और क्या बोल सकते हैं कि माई वैन इज फेस्ड, फेस मतलब क्या, माई वैन इज ट्रैफिक इन टू द ट्रैफिक, माई वैन इन टू द ट्रैफिक, अभी जो इन टू आया है वो भी हो जाएगा आपका क्या, मतलब ये समझ लो कि छोटे छोटे, और भी मैं लिखता हूं ये क्या हो जाता है, बाय फ्रॉम फॉर, बाय फ्रॉम फॉर, ये सब जो चीजें हैं ये छोटी छोटी चीजें हैं, तो उसको वो हो जाता है आपका क्या, मैं अगर जो वहां पे चला गया हो ना तो मैं बोल रहा हूँ तो उसको लिख लेना, अगर लिखना होगा तो ये हो गया प्रीपोजिशन, मतलब क्या, छोटे छोटे वर्ड। तो ये प्रीपोजिशन के बाद क्या आ गया, कंजंक्शन, उसके बाद आ जाएगा इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, ये दो बचा आपका, सिक्स आर कंप्लीटेड टू आर लेफ्ट, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन, नाउ सी ओ एन जे यू एन सी टी आई ओ एन, कंजंक्शन, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, कंजंक्शन, कंजंक्शन का मतलब क्या होता है, ज्वाइनिंग वर्ड्स, क्या होता है, ज्वाइनिंग वर्ड्स, ज्वाइनिंग, इसका कंसेप्ट बता, ज्वाइनिंग्स वर्ड, ज्वाइनिंग्स वर्ड, जैसे जैसे उसका था वर्ब का क्या था, एक्शन वर्ड था, वर्ब का एक्शन वर्ड था, कंजंक्शन का हो जाएगा ज्वाइनिंग वर्ड्स, जो वर्ड्स को जोड़ता है उसको बोलते हैं ज्वाइनिंग वर्ड्स। तो यहाँ पे आपको समझ आएगा, जैसे दो बता देता हूं मैं एग्जांपल में, जैसे एंड हो गया और बट हो गया, सॉरी वर्ड्स को नहीं जोड़ता है, जो सेंटेंस को जोड़ता है, जो सेंटेंस, जैसे आई एम गोइंग टू विलेज एंड, विलेज एंड माई ब्रदर ऑल्सो विथ मी, तो देखो आई एम गोइंग टू विलेज जो था एंड माई ब्रदर, तो एंड ने दोनों सेंटेंस को ज्वाइन किया है, कंजंक्शन किया है, तो कंजंक्शन, जंक्शन आपने देखा होगा, एक दिन आपको जंक्शन लगा होता है, जैसे आपको घर पे देखोगे तो जो इलेक्ट्रिसिटी का वायरिंग हुआ रहता है वहां पे ऐसा एक जंक्शन लगा होता है, उसी में से सारी चीजें गई होती हैं, जंक्शन लगा होता है, तो जंक्शन जो होता है उसी में से सारी चीजें ज्वाइनिंग हुई रहती हैं, तो वही समझ लो कि कंजंक्शन मतलब क्या, ये भी ज्वाइन ही करेगा, तो कंजंक्शन मतलब क्या, ज्वाइनिंग वर्ड्स याद कर लो,
कंजंक्शन एग्जांपल एंड बट और भी चीजें नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव प्रीपोजिशन कंजंक्शन इंटरजेक्शन लास्ट में क्या आ रहा है आपका इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मतलब क्या, जैसे आपको ये बहुत बड़ा इंटरजेक्शन का एक क्लियर कंसेप्ट है, आपको आपको एक लाइन रहेगा ऐसे करके ऐसा ऐसे करके ऐसा, ये क्या है ये क्या है ये एक्सक्लेमेशन मार्क है एक्सक्लेमेशन साइन है ये जो मैं बोल रहा हूँ। हाँ यहाँ देख लो ऐसा रहेगा, ये दिख रहा है क्या, हाँ ये ही है आपका एक्सक्लेमेशन मार्क। ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है अगर ये कहीं दिख गया तो ये हो जाएगा इंटरजेक्शन। क्या हो जाएगा इंटरजेक्शन, जैसे ओ लिख के ऐसे आ जाएगा ओ और ओ माई ओ एम जी लिख के आ गया, हुर्रा लिख के आ गया, तो ये सब चीजें हैं ओ हुर्रा ये सब चीजें हो गए इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन मतलब ये समझा कि इंटरजेक्शन मतलब देखो इसमें कोई भी कहीं भी नहीं है ऐसा स्टैंडिंग वाला ऐसा वाला नहीं आता, तो देखो ऐसा करना मतलब ऐसे लग रहा है कि कोई डांस कर रहा है, ऐसे करके ऐसा लाइन ऐसे करके ऐसा लाइन ऐसे करोगे जैसे लग रहा है कोई डांस कर रहा है। तो इंटरजेक्शन मतलब क्या माइकल जैक्सन, इंटरजेक्शन मतलब क्या माइकल जैक्सन। तो कोई डांस करने वाला एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा ना तो समझ जाना कि वो क्या है इंटरजेक्शन है। अब मुझे लगता है कि आठों समझाया हूं, अब कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में पूछ लेना ओके। तो अगर ये वीडियो लाइक मतलब अच्छा लगा हो आपको लाइक है ये वीडियो को तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें सब्सक्राइब करें ओके। मैं ऐसे ही आपको हर एक वीडियो में ऐसी अच्छी अच्छी ट्रिक लाते रहूंगा जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, आपको कम टाइम में आपको अच्छे से ज्यादा चीजें